हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लौकी की एक अनोखी स्वीट डिश लाई हूँ जो कि है लौकी के रोल। इसके लिए मैंने यह लौकी को छील कर काट लिया है और पीस लिया है। अब मैं इसे कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर भून लूँगी अच्छी तरह। इसे सिर्फ हमें पानी सुखाने तक ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, रेड नहीं करना, सिर्फ पानी सुखाना है। ये मिक्सचर मैंने 250 ग्राम लौकी पीसी हुई लौकी ली है और अब मैं इसमें एक कटोरी चीनी ऐड करूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। चीनी डालने पर भी ये लौकी थोड़ा पानी छोड़ेगी तो हमें इसे 5-7 मिनट और भूनना है अच्छी तरह, जिससे ये अच्छी तरह हलवे के टेक्सचर में आ जाए। अब मैंने एक कटोरी में दूध लिया है और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है। कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर को हमें हलवे में मिक्स कर देंगे, इससे एक हलवे जैसा इसमें टेक्सचर आ जाएगा। अब मैं इसको भी अच्छी तरह भून कर सुखा लूँगी। अब नेचुरल कलर देने के लिए मैंने ग्रीन फूड कलर यूज़ किया है। पास्ता दूध में इसमें फूड कलर की ऐड कर रही हूँ, जिससे बहुत ही अच्छा इसमें कलर आ जाएगा और इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। ये देखिए, अब गैस बंद करके इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम इंस्टेंट खोए की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ्राईपैन में 1 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है, इसमें मैं 1/2 कटोरी दूध ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे एक इंस्टेंट खोआ बनाया है, इसमें मैं अब चीनी ऐड कर लूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगी। चीनी ऐड करने के बाद अब इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, ये इसमें कोई लम्स ना रहे, ये एक ऐसा इसका लिक्विड तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप घर पर भी आसानी से खोआ तैयार कर सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मैं अलग से आपके साथ शेयर करूंगी। अब ये देखिए, ये गाढ़ा होने लग गया है। अब इसे और ज़्यादा गाढ़ा करने के लिए और एक खोए का टेक्सचर देने के लिए मैं इसमें कुछ ब्रेड क्रम्स ऐड करूंगी। मैंने यहाँ 2-3 चम्मच इसमें ब्रेड क्रम्स डाले हैं। ये मैंने ब्रेड को ग्राइंड कर लिया है और अब इसे अच्छी तरह चला लेंगे। देखिए, स्मूथ और एक गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसको भी हम ड्राई फ्रूट डाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैंने ये मिक्सचर को निकाल दिया है और अच्छी तरह से उसे स्प्रेड कर दिया है। मैंने इसे इवनली स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं जो मैंने यह खोआ का मिक्सचर रेडी किया था इसको मैं फैला लूँगी, इसको भी इसी के ऊपर इवन स्प्रेड कर दूँ। देखिए, और अच्छी तरह से इसको मिलाकर मैं एक रोल तैयार करूँगी। आपने घी का हलवा और मिठाई तो बहुत खाई होगी, अब इस रोल को भी ट्राई कीजिए। अगर आपने हलवा खाया है या मिठाई खाई है तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अब मैं इसको पेपर के साथ ही इसको अंदर की तरफ मोड़कर रोल करते जाऊँगी। मिक्सचर को ठंडा होने के बाद ही इस तरह से सेट करें, नहीं तो वो सारा बिखर जाएगा। ठंडा होने के बाद ही इसको स्प्रेड करके और रोल बनाएं और रोल बना के फिर मैं इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी सेट होने के लिए। इसके बाद हमें इसकी कटिंग कर दूँ। अब मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ।
ये मैंने फ्रिज से 1 घंटे बाद निकाला है और अब मैं इसकी इसको देख लेते हैं कैसा है, उसके बाद अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। अब इसके पीसेस में इसको कट कर लेंगे, बराबर बराबर पीसेस में इसको मैंने कट कर लिया है। देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। कट हो गया, मैंने इसके पीसेस को शेप देकर इस तरह से इसकी प्लेटिंग कर ली। तैयार है मेरा घिया रोल, घिया मावा रोल।